वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, सवाल उठता है कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने की कहां जरूरत पड़ती है। तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में रहते हुए स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है, तो एक अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, मेरा मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। अब उस फोर्स के अगेंस्ट एटलीस्ट उतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा किसी बॉडी पर, तभी जाकर उसको स्लाइड किया जा सकता है। और जब कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ वर्क भी होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम कंसीडर करेंगे जिसमें एक बॉडी को, एक ब्लॉक को एक हॉरिजेंटल सरफेस पर जो फ्रिक्शनलेस नहीं है, जिसके और जो ब्लॉक जिसको हम स्लाइड करा रहे हैं दोनों के बीच कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आपको गिवन होगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे हम लोग, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक गिवन पेयर ऑफ सरफेस के लिए दे रखा होगा, और एक ब्लॉक जो है मान लो कि एक हॉरिजेंटल सरफेस पर स्लाइड किया जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट में एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा उसके लिए हम एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस होंगे जिनको हम वन बाय वन करके डील करेंगे। सबसे पहला सिचुएशन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन When a block is slided over horizontal surface, तो हमारा पहला टॉपिक हो गया वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी, केस वन। इसमें बहुत सारे केसेस हम डील करेंगे जिसमें केस वन है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑन स्लाइडिंग ए बॉडी ओवर हॉरिजेंटल सरफेस इंक्लाइंड सरफेस का केस इसके बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन पहला केस है कि एक हॉरिजेंटल सरफेस है कोई, और इस सरफेस पर सपोज करो कि एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, सर्टेन केजी का इसका कुछ मास है, ठीक है, और इस ब्लॉक को ये पॉइंट ए से स्लाइड करा करके बी तक ले जाया जा रहा है, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके और ब्लॉक के लोअर सरफेस के बीच जब ये स्लाइड हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट में ब्लॉक को स्लाइड करा के राइट हैंड साइड में फोर्स लगा करके हम क्या कर रहे हैं, इसको स्लाइड करा करके मान लो कि हम शिफ्ट करके ए से बी तक लेकर आ रहे हैं, और इस दरमियान मान लो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस के बराबर हो रहा है, नेट एस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारा टास्क ये है कि यहां पर कितना वर्क हुआ, आखिर ये जो फ्रिक्शन का फोर्स विरोध कर रहा है, इस विरोध के खिलाफ इसका अगेंस्ट हमने यहां तक एस मीटर तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया। एक बात तो तय है कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ये स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात उठेगी, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एटलीस्ट उतना फोर्स तो हम जब लगाएंगे राइट हैंड साइड में तभी ये ब्लॉक स्लाइड कर पाएगा, इससे कम फोर्स पर तो इसके स्लाइड होने का सवाल ही नहीं है। और अधिक फोर्स देंगे, अगर इस वैल्यू से अधिक फोर्स अगर राइट साइड में लगाएंगे तो ब्लॉक जो है एक्सीलरेट करने लगेगा, लेकिन यहां पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ब्लॉक जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए इस मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है और फाइनली बी पर लाया जा रहा है। ध्यान देना, कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है इस ब्लॉक में, एक कॉन्स्टेंट
स्पीड के साथ मूव करते हुए इसको स्लाइड करा करके लाया जा रहा है यहाँ तक। तो जब एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी वैल्यू काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, तो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स जो है या जो भी एजेंसी फोर्स अप्लाई कर रही है उस एफ की वैल्यू एफ के बराबर होगी। और एफ के की वैल्यू कितनी होती है तो आप जानते हो कि नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो सपोज करो कि नॉर्मल रिएक्शन एन है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो एम जी जो वेट होगा बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस सिचुएशन में तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब एम जी होगा बिकॉज द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, यदि हम इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसी एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा इस स्थिति में उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू के, इफ म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक की लोअर सरफेस और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर ये स्लाइड हो रहा है, इन दोनों सरफेसेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू म्यू के है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो म्यू के इंटू एन के बराबर होगा, और जहां की एन इज इक्वल टू एम जी होगा तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स जो है इसके इक्वल होगा तभी जाकर के इसको हम स्लाइड करा पाएंगे, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी, और जब फोर्स इतना लगेगा और इतना डिस्प्लेसमेंट होगा एंड वर्क डन, तो वर्क डन इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया, एफ डॉट एस कह लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच के एंगल तो जीरो है, तो कॉस जीरो वाला टर्म जो है आपका वन हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली एफ एस, और ये हो गया आपका F की वैल्यू म्यू के एम जी इंटू एस, एंड दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्लियर है। अब एक दूसरी सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में हम स्लाइड करा रहे होंगे। तो केस टू, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड किया गया जिसके अगेंस्ट किया वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन हम निकाल लिए। केस टू में वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, केस ये केस वन है, दिस वॉज केस वन। केस टू पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन मूविंग द बॉडी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन मूविंग बॉडी अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की ओर खिसकाने में। तो सपोज करो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जिसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है और हॉरिजॉन्टल के साथ, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक है, इसको यहाँ लेते हैं, ये ब्लॉक है एक एमकेजी का जो ऐसे रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन पर, मान लो कि ब्लॉक जो है पॉइंट ए पर है, तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में हम स्लाइड करके लेकर जा रहे हैं। सपोज करो कि एस मीटर से डिस्प्लेस करा करके इसको हम ला रहे हैं फाइनली बी पर, सपोज इसे हम बी तक ला रहे हैं, और नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ एस के इक्वल हुआ, तो हमें क्या मालूम करना है कि ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस मास पर लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखलाते हैं। हाँ, यहाँ मैं पहले ही बता दूं कि ये ब्लॉक और इस इंक्लाइंड सरफेस के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, साथ ही कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन न्यू के बराबर दे रखा है आपको। तो ऊपर ले जाने में, यहाँ से सरका कर यहाँ तक ले जाने में, इसे स्लाइड करा करके जो हमें वर्क करना पड़ेगा उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मान लो कि एफ न्यूटन का फोर्स लगाया गया इसको, और एफ न्यूटन की कॉन्स्टेंट फोर्स लगा करके इसे बी तक स्लाइड किया गया इंक्लाइंड प्लेन के कॉन्टेक्ट में रखते हुए। तो देखो इस ब्लॉक पर पहले कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, तो वेट तो क्लियरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एम जी, और मत भूलो कि ये जो सरफेस है इंक्लाइन सरफेस, इसके द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है।
अच्छा, ये जो वेट है जो कि काइंड ऑफ फोर्स है, इसको हम चाहे तो क्या हम करेंगे, इसे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। इस डायरेक्शन को हम हाइपोथेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में ला रहे हैं और ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करें, ये दोनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इस वेट का कॉम्पोनेंट निकालेंगे। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, ये थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो mg का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg sin थीटा के बराबर होगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसको इंक्लाइंड प्लेन पर सरकाना। तो ये तो सारे फोर्सेस हो गए जो कि एक्ट कर रहे हैं। तो mg sin थीटा वाला फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये mg sin थीटा वाला फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कराने की कोशिश करेगा तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर एक्ट कर रहा होगा, इधर की ओर। लेकिन जब हम इसको स्लाइड करेंगे ऊपर की ओर, तो जब अपवर्ड डायरेक्शन स्लाइड करेंगे तो ऐसी स्थिति में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की ओर एक्ट करेगा। और किस तरह का होगा, क्योंकि हम एक्चुअल में स्लाइड करा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इस तरह से देखो, तो जब हम इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के कॉन्टेक्ट में रखते हुए स्लाइड करके इनटू बी डिस्प्लेसमेंट एस एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। एक तो है mg sin थीटा और दूसरा है fk, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो नेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया द सम ऑफ दिस टू, इन दो फोर्सेस का सम हो गया। तो इधर से कम हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो सके, इन दोनों फोर्स के बराबर कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन is f is equal to how much, mg sin theta plus fk। और fk कितना होगा, तो तुम जानते हो कि fk जो है ये तो म्यू के एन होता है। मान लो कि इन दोनों सर्फेसिस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, तो म्यू के इनटू एन के बराबर होगा, और एन तुम देख रहे हो कि mg cos थीटा के इक्वल होगा। तो fk की वैल्यू हो जाएगी, ये mg sin थीटा हो गया प्लस fk की जगह हम क्या लिखे, म्यू के एन, और एन की जगह हम लिख दे रहे हैं mg cos थीटा। तो इतना नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तब जाकर के ये ब्लॉक जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बी तक स्लाइड हो पाएगा, या कंटिन्यूअसली जहां तक भी चाहेंगे। हमने एस मीटर तक इसको डिस्प्लेस किया है, तो फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी उसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो ये बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा। सो वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट एस, फॉर डिस्प्लेसमेंट एस विल बी हाउ मच भाई, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होगी दोनों के बीच की, cos थीटा होगी, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए उसको ओमिट कर रहे हैं। और f की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, mg कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन है, तो mg sin थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस, ये हो जाएगा आपका वर्क डन इन स्लाइडिंग द ब्लॉक ओवर द इंक्लाइन प्लेन, अप द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो दिस वॉज द सेकेंड केस, वी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन दिस केस ऑल्सो। ये जो दूसरा केस था ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस तीसरे केस की बात करें तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन बात करेंगे। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन
इन मूविंग ए बॉडी डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन. तो सिचुएशन इसके पहले जैसी है सिमिलरली ऑलमोस्ट, बट यहां ऊपर ले जाने के बजाय हम नीचे ले जाने. तो मान लो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, एमकेजी का ब्लॉक यहां पर. मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन ए है और इसको हमें स्लाइड डाउन करके इधर से इधर स्लाइड करके लाना है, एस मीटर तक डिस्प्लेस कराना है. और क्यों डिस्प्लेस कराने की जरूरत है, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया कि एमजी वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर एक्ट करेगा. इस एमजी का ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन, ये जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन का पॉजिटिव डायरेक्शन में, एमजी कॉस थीटा वाला होगा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है. और ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो एमजी साइन थीटा हुआ, ठीक है. तो दरअसल मामला ये है कि वैसे तो एमजी साइन थीटा भी कोशिश कर रहा है इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कराने की, और यदि ये जिसके कारण एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की ओर एक्ट करेगा, ठीक है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, और वो स्टैटिक नेचर का होगा क्योंकि अब ये स्लाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एम जी साइन थीटा का फोर्स जो है सफिशियंट नहीं है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कराने में. इसीलिए इधर की ओर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होगा और ये कोशिश तो कर रहा है स्लाइड कराने की, स्लाइड करा नहीं पा रहा है. तो चूंकि ये फोर्स कमजोर पड़ रहा है तो थोड़ा सा और धक्का देने की जरूरत है ऊपर से नीचे की ओर. तो अब ये पता करते हैं पहले कि हाउ मच एडिशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड. तो यहां ध्यान देना, मान लो कि एडिशनल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो एफ के बराबर है. तो जब इस फोर्स को लगाकर कि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे और जब ये एक्चुअली स्लाइड होगा, अभी ये तो स्लाइड नहीं हो रहा था तो इधर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, लेकिन जब कुछ फोर्स लगाकर के हम स्लाइड कराएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब इधर जो फोर्स लगेगा वो काइनेटिक नेचर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा बिकॉज द ब्लॉक इज स्लाइडिंग एक्चुअली. तो इधर का फोर्स जो होगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इधर लगने वाला फोर्स एफ के होगा, ठीक है. तो हमें कितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, एमजी साइन थीटा तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने का, सिर्फ विरोध कम कर रहा है, एफ के विरोध कर रहा है, एफ के चूंकि ज्यादा है एमजी साइन थीटा कमजोर पड़ रहा है. तो क्यों ना ऐसा किया जाए एफ के माइनस एमजी साइन थीटा, ये जो दोनों का डिफरेंस हो रहा है उतना फोर्स एक्स्ट्रा इधर से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ स्लाइड करने लगेगा. समझ में आ रही बात. देखो इस ब्लॉक पर इस सरफेस के द्वारा, इंक्लाइंड सरफेस के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई किया जाएगा जब ये इसको स्लाइड डाउन करके हम लाएंगे नीचे की ओर, ठीक है. और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है एमजी साइन थीटा से अधिक है, ठीक है. तो हमें कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा इधर से ताकि ये स्लाइड डाउन वाली सिचुएशन में आ जाए, ताकि ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए. इन दोनों के डिफरेंस के बराबर फोर्स एफ के ज्यादा है, एमजी साइन थीटा कम है, तो एफ के माइनस एमजी साइन थीटा के बराबर एडिशनल फोर्स इधर से लगाएंगे, ठीक है. तो एमजी साइन थीटा प्लस एफ मिलकर के एफ के का मुकाबला कर लेंगे और वैसी स्थिति में कांस्टेंट फोर्स से नीचे क्यों आएगा, तो जो एफ की वैल्यू होगी दरअसल एमजी साइन थीटा प्लस एफ, इन दोनों की वैल्यू एफ के बराबर होगी. इसीलिए एफ की वैल्यू एमजी साइन थीटा एफ के माइनस एमजी साइन थीटा के बराबर होगी. तो जो फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक, स्लाइड द ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज एफ इज इक्वल टू एफ के माइनस एम जी साइन थीटा, एफ के माइनस एम जी साइन थीटा. और एफ के की वैल्यू तो देखिए रहो म्यू के एन हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू म्यू के एन माइनस एम जी साइन थीटा, और ये हो गया आपका म्यू के एम जी, ये एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा. तो ये हो गया आपका एम जी कॉमन ले लो एम जी, और ये हो गया म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा.
तो पहले तो हमें ये पता कर लिया कि कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है हमें इस डायरेक्शन में लगाने की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ताकि एक कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहुंचे। अब इस ब्लॉक को मान लो कि इतना फोर्स लगा करके और स्लाइड करके यहां तक हम ला रहे हैं पॉइंट बी तक, पोजिशन बी तक, और ए और बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट एस है, तो कॉमन सेंस की बात है वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन एंड सो वर्क डन, so work done is equal to, work done is equal to how much, F force into displacement F into S will be equal to mg into S, mgs mu k cos theta minus sin theta, so work done is equal to हो गया आपका mgs mu k cos theta minus sin theta, clear है। अब एक तो इस सिचुएशन में क्या खासियत थी, यहां पर mg sin theta जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, इसकी वैल्यू इधर लगने वाले स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जब ये रेस्ट में था कम थी, इसलिए ये स्लाइड नहीं करा पड़ रहा था। लेकिन मान लो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा दें तो तुम देख लो कि mg sin theta की वैल्यू जो है sin theta पर डिपेंड कर रही है, और थीटा अगर बढ़ा दिया जाए तो sin theta की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो एक सर्टेन एंगल से ज्यादा एंगल होने पर, जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तो उससे अधिक होने पर, उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर, व्हाट विल हैपन, साइन थीटा की वैल्यू इतनी ज्यादा सफिशिएंट होगी कि mg साइन थीटा वाला फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला, ये खुद ही इसको स्लाइड कर लेगा, ये मतलब बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी की सिचुएशन में क्या था, हमें इसलिए इधर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा क्योंकि mg sin theta इधर लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कमजोर पड़ रहा था, इसलिए एक्स्ट्रा पुश की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद जो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें mg sin theta की वैल्यू जो है इधर लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अधिक होगी, यानी कि ये खुद ब खुद mg sin theta वाले फोर्स के कारण ये ब्लॉक खुद ब खुद स्लाइड करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब स्लाइड करेगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, और जब ये स्लाइड करना शुरू करेगा तो ये एक्सीलरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उधर लग रहा है। बस फर्क इतना ही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कमजोर है और mg sin theta की वैल्यू मजबूत है। तो इस mg sin theta के वैल्यू के काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होने के कारण जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो एक्सीलरेशन होगा, अब हम उसके लिए वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो इसके बाद अब जो सिचुएशन है वो ये कि एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, अब हम वर्क डन की बात नहीं कर रहे हैं, अब वर्क डन का काम तो हो गया, अब जो काम हमें करना है वो ये कि वी वांट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एंड इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, अभी मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो इंक्लाइंड प्लेन की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो यहां रखी हुई जो ब्लॉक होगी उस पर ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट का एक कंपोनेंट mg sin theta एक्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है थीटा के अधिक होने के कारण, एंगल ऑफ रिपोज से अधिक होने के कारण, इधर जब ये स्लाइड करेगा तो इधर मत बोलो कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। तो चूंकि mg sin theta की वैल्यू Fk से काइनेटिक फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसीलिए एक रिजल्टेंट जो होगा कितना ज्यादा होगा, mg sin theta माइनस Fk के बराबर रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि इस ब्लॉक को एक्सीलरेट कर रहा होगा, ठीक है। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन भी मुझे शो करने दो, और इधर वाला कंपोनेंट तो जानते ही हो, ये mg cos theta वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो मान लो कि चूंकि mg sin theta fk से ज्यादा है, तो मान लो कि इसके कारण इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सीलरेशन की वैल्यू a है। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में हम ये जानेंगे कि कितना एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स पहले तो मैं लिख दूं, व्हेन mg sin theta is greater than fk, the block slides by itself, ये खुद ब खुद क्या होगा, स्लाइड करेगा। रिजल्टेंट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन
will be, downward direction will be F is equal to how much? Mg sin theta minus Fk. Mg sin theta minus Fk. और Fk की वैल्यू this is equal to Mg sin theta minus Fk is equal to mu k n. Mu k n. तो this is equal to Mg sin theta माइनस म्यू के और एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल दिस इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. तो अब यहां पर हम एम जी को कॉमन ले लें तो दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्स. इतना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है. तो ये बताओ कि यही तो एक्सीलरेशन का कारण होगा ना. तो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से यदि एक्सीलरेशन ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो दिस मस्ट बी इक्वल टू एम इनटू ए वेयर एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक एंड ए इज इट्स एक्सीलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो एम से एम कट गया. वी कैन से एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई जी साइन थीटा माइनस यू के कॉस थीटा. तो इस तरह से हमें एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन मिल गया. ठीक है, तो कल हम लोग इसी पर बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.